आईपीएल के इतिहास में आरसीबी एक ऐसा टीम है जिनके पास एक भी ट्रॉफी नहीं है इतने साल के आईपीएल करियर में। आरसीबी एक ऐसा टीम है जो ट्रॉफी तो नहीं जीता पाए पर हर साल दिल जरूर जीतते हैं और लोगों के दिलों में राज करते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं पर आज तक कोई ट्रॉफी तो नहीं जीता पाए हैं, पर इस साल देखा जाए 2024 में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की, मुंबई इंडियंस तो आईपीएल के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल टीमों में से एक है। बता दें मुंबई इंडियंस के पास 5-5 ट्रॉफियां हैं, लॉयलिटी फैन है। मुंबई इंडियंस का एक अलग लेवल का क्रेज है और फाइनल जीतने का एक अलग नशा है मुंबई इंडियंस के पास। इस साल क्या होता है चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या होता है जब आईपीएल आएगी देखा जाएगी। तो आज हम लोग बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बैटिंग ऑर्डर और मुंबई इंडियंस के बैटिंग ऑर्डर कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते शुरू करते हैं। मुंबई इंडियंस के बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो पहले नंबर पर रखा गया है रोहित शर्मा को, वही आरसीबी की तरफ से आएंगे हमारा किंग कोहली, विराट कोहली। और दूसरे नंबर पर है एमआई का सूर्य कुमार यादव, वही आरसीबी का है फाफ डुप्लेसिस। तीसरे नंबर पर एमआई का है आपका ईशान किशन और तीसरे नंबर पर आरसीबी का है रजत पाटीदार। आपको बता दें चौथे नंबर पर एमआई का तिलक वर्मा है तो आरसीबी का है अनुज रावत। पांचवें नंबर पर टीम डेविड है जो अगले साल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, वही आरसीबी की बात करो तो दिनेश कार्तिक है। नंबर छः की बात करें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से विष्णु विनोद है, वही आरसीबी की तरफ से एस प्रभुदेसाई हैं। आपको इन टीमों के बैटिंग ऑर्डर्स कौन सा टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है? हमें तो लगता है दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और बराबरी का टक्कर देंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए। ये बस बैटिंग ऑर्डर था ना, ऑलराउंडर ना बॉलिंग। आप यदि ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।